श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए लड़कियों के साथ ही अद्भुतता का मामला सामने आया है और घटना श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से वह बाहर की है, जा के लिए वह बद्रीनाथ यात्रा पर आए हरियाणा के लिए तीन लड़कों पर मेडिकल कॉलेज के लिए बीबीए के लिए प्रथम वर्षीय से और छात्राओं पर वह अश्लील टिप्पणी करने के आरोप है और घटना के व्यक्त सीनियर बीबीए के लिए छात्राओं ने हरियाणा के युवकों को रोका है तो मामला ज्यादा बिगड़ गया है और दोनों पक्षों में से मारपीट होने पर वह पुलिस मौके पर पहुंच गई है और दोनों पक्षों में से वह थाना श्रीनगर के लाया गया है जहां पर कुछ देर बाद ही और वह रात तक भी कोतवाली के अंदर ही मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हंगामा किया है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के छात्र तीन युवकों को पीटने पर वह उतराऊ हो गए हैं। मामले में पुलिस ने जब वह दोनों पक्षों की तहरीर दी है तो मेडिकल कॉलेज के लिए फैकल्टी के लिए मौजूदगी में से भी दोनों पक्षों में से समझौता हुआ है। छात्रों पर तो ये लवकुश होटल है। इस रिपोर्ट में यहाँ पर तीन हरियाणा के युवक बद्रीनाथ से वापसी में रुके हुए थे तो ऊपर से जो फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ चल रही थी तो उन पर कुछ इन्होंने कमेंट किए तो नीचे उनके जो सीनियर लड़का था तो इन्होंने उससे बातचीत करी कि भाई ऐसे क्यों कर रहे, तो उसके साथ हाथापाई करी तो उसमें क्योंकि इनका फेस्टिवल चला था कई लड़के इनके 100-150 लड़के इकट्ठे हो गए तो समय पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने समझाया बुझाया उन लड़कों को लेकर थाने पर आए। थाने पर आने के उपरांत एक तो जिस लड़के के साथ हाथापाई हुई तो 4-5 छात्राएं MBBS कॉलेज की वो यहाँ पर आए और उनके सीनियर फैकल्टी मेम्बर और डीन भी यहाँ पर पहुँचे तो इन्हीं की मध्यस्थता में इनकी माफ़ी मांगने पर उनका उक्त समझौता नामा हो गया है। अब दोनों पक्ष कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। और जो यहाँ पे हाथापाई उनके साथ हुई जो इसके लिए भी इनके डीन फैकल्टी मेंबर ने लिख के दिया है कि जो भी इन्होंने अभद्रता करी है इन लड़कों के साथ तो उसके लिए इनके विरुद्ध हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, उनको चिन्हित करने के उपरांत इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो इन लड़कों के खिलाफ कोई मुकदमा या जिन लड़कियों के साथ जो बातचीत लड़कियों के साथ हुई थी लड़कियों ने कुछ मुकदमा दर्ज कराने की कोई बात नहीं? नहीं, इनके फैकल्टी मेंबर थे उन्होंने लिख के दिया, वो नहीं चाहते कि कोई मुकदमा दर्ज हो क्योंकि वो ऊपर थे, कोई कमेंट किसी ने पास के नीचे उनसे हाथापाई हुई। जहाँ पे ये घटना घटी क्या है वहाँ पे CCTV कैमरे लगे थे सर? जहाँ लवकुश होटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए